अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप सभी किस प्रकार से अपने बायोमेट्रिक की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप सभी ने एनएसडीएल की आईडी ली हुई है बायोमेट्रिक के द्वारा पैन कार्ड बनाने की, तो ऐसे में भी आप सभी का जो मॉर्फो डिवाइस है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप सभी किस प्रकार से अपने मॉर्फो डिवाइस की सेटिंग करेंगे, जिसके माध्यम से आप सभी एनएसडीएल द्वारा पैन कार्ड बना पाए और साथ ही साथ आप सभी अपने बायोमेट्रिक के माध्यम से आयुष्मान कार्ड भी बना पाए और डीजीपी को भी चला पाए, बैंकिंग के सर्विसेज में भी इस्तेमाल कर पाए। तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना है कि आपके बायोमेट्रिक डिवाइस में आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप मान लीजिए कि एनएसडीएल की आईडी ले लिए हैं बायोमेट्रिक के द्वारा पैन कार्ड बनाने के लिए, लेकिन अगर आपके बायोमेट्रिक में लाइट नहीं जल रही है या फिर आप आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाते हो तो आपके बायोमेट्रिक में लाइट नहीं जल रही है, या फिर कुछ एरर आ रहा है, या फिर डीजीपे में आपकी जो बायोमेट्रिक डिवाइस वो नहीं वर्क कर रही है, तो ऐसे में सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी केसेस में आपको करना क्या है, अपने सिस्टम में आ जाना है। ठीक है, सिस्टम में आ जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे सर्च बार में टाइप कर देना है कंट्रोल पैनल, और आपको यहाँ पर कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया है और आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है वो उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो इनमें से सबसे पहले आपको ढूंढना है आपका मॉर्फो और मॉर्फो आरडी सर्विस एंड मॉर्फो स्मार्ट यूएसबी। ठीक है, इन दोनों को आपको सबसे पहले अपने सिस्टम से रिमूव करना है। तो इसके लिए आप इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल, उसके बाद फिर आपसे परमिशन मांगेगा, आप यहाँ पर इसको यस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यस पे से आप क्लिक करेंगे तो ये आपके जो सिस्टम से है यहाँ से रिमूव होने लग जाएगा, और इसके बाद फिर आपको जो है ये यस पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सिस्टम से अनइंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। दोस्तों यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना ताकि आगे चल के आपको सामना न करना पड़े। यहाँ पे आप ओके पे आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको मॉर्फो स्मार्ट यूएसबी 64 जो आपको दिख रहा है इस पे भी क्लिक करना है, और इसे भी आप यहाँ से अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चलिए कर दिया और यहाँ पे हमारे सिस्टम से ये भी जो है रिमूव किया जा रहा है। तो इसमें भी थोड़ा सा प्रोसेस यानी कि टाइमिंग लगी। जैसा कि अभी आप सभी देख सकते हैं हमने अपने सिस्टम से मॉर्फो का जो ड्राइवर है इसको अनइंस्टॉल कर दिया है। अब इसके बाद आपको एक काम और करना है। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या सिस्टम में जो भी आपका है उस पर आपको डिस्क पीसी को ओपन करना है। डिस्क पीसी को ओपन करने के बाद आपको लोकल डिस्क सी में चले जाना है, और यहाँ पर आपको जो है आपके मॉर्फो ड्राइवर का जो दो फाइल बना होगा, इन दोनों फाइलों को आप इस प्रकार से सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपके सिस्टम से पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर करना है कि आपको इसे क्लोज करना है और सीधा आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। ठीक है, और आपको सर्च कर लेना है आरडी सर्विस, आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमेशा, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बायोमेट्रिक से या जो आपका मॉर्फो डिवाइस है इसी से आपका सारा काम हो, तो आपको विंडोज HTTP लोकल होस्ट को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है विंडोज HTTP लोकल होस्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इतना आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो जाने के बाद आप सभी जो है अपने दिस पीसी को दोबारा से ओपन करें और यहाँ पर आप सभी को डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये वाला जो फाइल हमने डाउनलोड कर लिया इसको आपको राइट क्लिक करके सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने बाद जो आपका फाइल है इस तरह से बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको विंडो आरडी सर्विस जो है इस पे आपको दोबारा से क्लिक कर देना है फाइल पे, फिर आपके सामने इस प्रकार से फाइल आएगा। फाइल पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है मॉर्फो का जो सेटअप है ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको बस आपको इसे डबल क्लिक कर देना है एक बार और थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। ठीक है, आपके सिस्टम में फिर आपसे परमिशन आएगा तो यहाँ पर इसको आपको यस पर क्लिक कर देना है। यस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम के अंदर जो मॉर्फो आरडी सर्विस ड्राइवर है ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा आपको और वेट करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से जो है मॉर्फो जो सेटअप होता है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर इस समय जब ये प्रोसेस हो रहा हो तो आपको अपने सिस्टम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करना है, जिसके बाद आपके सिस्टम में सक्सेसफुली जो मॉर्फो आरडी सर्विस ड्राइवर है ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर ये आपसे कह रहा है इसको रिस्टार्ट करने के कंप्यूटर को, तो फिलहाल अभी अपने पास टाइम नहीं है। अगर मैं रिस्टार्ट करूंगा तो जो मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी नो आई विल रिस्टार्ट द कंप्यूटर लेटर पे क्लिक करेंगे। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिनिश पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा मॉर्फो ड्राइवर है सक्सेसफुली हमारे सिस्टम के अंदर लॉन्च हो चुका है। अब इसके बाद करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मॉर्फो डिवाइस को जो है अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए हमने कनेक्ट कर लिया है और इसके बाद आपको फिर से जो है
इस पे चले आना है, गूगल को आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सी एस सी माई अकाउंट, ठीक है, क्योंकि आप एक वीएलई है तो आपके पास सी एस सी आई डी आपको डिवाइस को चेक करना है, ठीक है। तो डिवाइस को चेक करने के लिए आपको सी एस सी माई अकाउंट पे क्लिक करना है, सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे आपको लॉग इन टू योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना क्लिक करेंगे आपके सामने प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी जो सी एस सी आई डी है वो सी एस सी आई डी आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सी एस सी आई डी को टाइप कर दिया है। फिंगरप्रिंट का सिलेक्शन करेंगे, जो भी कैप्चा कोड आपको दिया गया इस कैप्चा कोड को आपको केयरफुली फिलअप कर लेना है और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे बॉक्स पे टिक करना है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक की टेस्टिंग की जा रही है, जो आपका बायोमेट्रिक है आपके सिस्टम से सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा बायोमेट्रिक सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुका है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से हम देखिए क्लिक करें तो हमारा बायोमेट्रिक में जो है ये लाइट जल रही है और यहाँ पर जो बायोमेट्रिक है सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में जो आपका मॉर्फो डिवाइस है पूरी तरह से सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अगर आप पे यहाँ पे कुछ भी इरर आता है इसके बावजूद भी तो फिर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस प्रकार से यहाँ पे अपने विंडो के सर्च बार में टाइप कर देना है सर्विस। इस प्रकार से आपको टाइप कर लेना है सर्विस और यहाँ पर आपको ओपन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओपन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सर्विसेज के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं वो ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा और टाइम दीजिए, यहाँ तक अगर आप आ ही गए देखते देखते तो देख लीजिए ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने इस प्रकार से पूरा ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से स्क्रॉल करके आपको सबसे नीचे एम सेक्शन में चलाना है, क्योंकि मोर्फो का जो नाम है वो एम से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको जो है एम सेक्शन में आना है और यहाँ आपको ढूंढना है मोर्फो और ये आपको मिल गया मोर्फो आरडी और मोर्फो स्मार्ट यूएसबी। आप इसमें एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको रीस्टार्ट कर देंगे इस केस में दोनों में, ठीक है। तो हमारे दोनों यहाँ पे जो है चालू है। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपको इस आरडी सर्विस से डीजीपी को चलाना है तो डीजीपी अगर आप चलाएंगे तो इस समय ओपन नहीं होगा। इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी। आप इस पीसी को ओपन करेंगे और इसके बाद आपको लोकल डिस्क सी में चले जाना है और यहाँ पर आपको जो है मोर्फो आरडी सर्विस L0 शॉर्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कॉन्फिग सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। इतना क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन मोड है 0 रहेगा, आपको इसको 0 हटा के 1 कर देना है अगर डीजीपी को चलाना है, ठीक है, या फिर आपको बैंकिंग की कोई भी सर्विसेज में आपको इस्तेमाल करना है अपने मोर्फो डिवाइस को। लेकिन लेकिन अगर आपको जो है आयुष्मान कार्ड बनाना है या फिर अगर आपने NSDL की आईडी ली हुई है और आप सभी बायोमेट्रिक के माध्यम से NSDL पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो फिर आपका जो यहाँ पे कम्युनिकेशन मोड है ये 0 रहेगा। आपको यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस ऐसे इसको सीधा से कट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको डीजी पे चलाना है, बैंकिंग कोई भी सर्विसेज में काम करनी है तो कॉन्फिग सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, अपने यहाँ पे इसको 0 हटा के आप यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, 1 सेट कर लेना है और इसके बाद आपको फिर से जो है सर्विसेज भी यहाँ पे ना और इसके बाद फिर से आपको जो है विंडो के सर्च बार में आना है और फिर से यहाँ पे सर्विस पे आपको एक बार क्लिक करके अपने बायोमेट्रिक को रिस्टार्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपका जो है डीजीपी भी वर्क करेगा और साथ ही साथ आपका बैंकिंग जो सर्विसेज है उसमें भी आप काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर अगर आपको फिर से आयुष्मान कार्ड की सर्विसेज में काम करना है या फिर आपको जो है अपने बायोमेट्रिक के माध्यम से NSDL पैन कार्ड बनाना है तो फिर आपको फिर से जो है वहीं पे सेम प्रोसेस जाना है और वहां पे जो 1 आपने किया था उसको 0 करके दोबारा से अपने बायोमेट्रिक को रिस्टार्ट करें और फिर आप सभी इसको अपने यूज में ले सकते हैं। बस यही प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पाए इस वीडियो को देख के तो दोबारा से प्ले करके आप देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।